अहम खबर भोपाल से है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुआ, बीजेपी में शामिल होना मेरा सौभाग्य। राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला है, तंज कसा है और कहा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखने में लगे रहते हैं। जिस पार्टी का 13 राज्यों में खाता नहीं खुला, जनता ने 3 बार विपक्ष में बैठा दिया, फिर भी अहंकार देखिए। जनादेश को न स्वीकार कर सनातन को गालियां दे रही है कांग्रेस। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है और सियासी गहमा गहमी के बीच आज की ये सियासी गलियारे की अहम खबरों में से एक है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से ये खबर है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सामने आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर मैं शामिल हुआ और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सियासी तंज कसे। सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिर भी इनका अहंकार देखो। 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला है। कई लोग ऐसे हैं जो सब तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। अमृतांशी बताइए क्या कुछ रहा बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खास और बैठक के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं उसे किस तरीके से देखें। बिल्कुल, देखिए बैठक जो है वो फिलहाल पहले चरण की खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की बैठक अब यहाँ पर शुरू होने वाली है और लगातार दिन भर से बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं दिग्गज बीजेपी के, वो सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुरानी कार्य समिति हुई थी, यानी कि जो ग्वालियर में कार्य समिति की बैठक हुई थी गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, उस दौरान जो प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे उस के बाद जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो कैसे उन पर जो है वो फॉलोअप लिया गया है, क्या कुछ जो है प्रस्तावों का जो है फॉलोअप रहा, किस तरीके से प्रस्तावों को जो पारित किए गए थे उस पर काम हुआ है, ये यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से जानने की कोशिश तमाम बीजेपी के नेताओं ने कही है। और इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एक तरीके से अपने तमाम जो पदाधिकारी हैं जो नेता हैं उनको ये बात समझाते हुए नजर आए कि कहीं से कहीं तक जो है वो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं पदाधिकारी हैं कोई भी है उनको अहंकार पालने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप काम कीजिए अहंकार मत पालिए क्योंकि जनता ने आपको जो है वो यहाँ पर चुनकर भेजा है, जनता ने आपको यहाँ पर खास तौर से देखिए इतने अच्छे बहुमत से जिताया है तो अहंकार ना पालिए और इसके साथ जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसके अलावा भूपेंद्र यादव ने एक बात और भी कही है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रवास करें, अपने क्षेत्रों में रहें, जनता से मुलाकात करें, उनकी जो परेशानियां हैं वो सुने, उनको हल करते हुए नजर आए, क्योंकि बतौर जनप्रतिनिधि अब ये जो है वो नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो नए सांसद हो, वो पुराने सांसद हो, या नए विधायक हो या पुराने विधायक हो, सबकी जिम्मेदारी ये है कि जनता की जो भी परेशानियां हैं उसको हल करते हुए नजर आए। इसके अलावा ये भी प्रस्ताव यहाँ पर जो है वो बैठक में रखे गए हैं कि जनता का आभार जो है वो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेता जताते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन अंदर जारी था, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बोलेंगे, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर तौर पर जो प्रस्ताव निकल कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस पर खास तौर से एक बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अंदर बोलते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने एक पैरासाइट की तरह काम किया है, कांग्रेस ने नकारात्मकता फैलाई है और उसी नकारात्मकता जो भरे माहौल है उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब लड़ना है और उसे खत्म करना है। यहाँ पर जो है वो तारीफ भी की गई जो है एक तरीके से संगठनात्मक काम की कि जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश और देश में था उसके बावजूद भी जो कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की ऐसा कहा गया बैठक के अंदर, उसके बाद भी बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और देश की राजनीतिक चुनौतियों को समझने की बात भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की ओर से कही गई है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा और भी अब जीत के बाद एक्टिव होने की बात कही गई है। बिल्कुल, तो सियासी बयानबाजी जारी है पर अमृतांशी आपसे ये समझना चाहेंगे, नया दौर है, नई सरकार है और नए रोड मैप है, तो ऐसे में बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक को रूटीन बैठक के तौर पर देखें या ये कुछ खास है, कुछ अलग है?
देखिए बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक होती है वो महत्वपूर्ण तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए होती है। इसके पहले बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जो है वो चुनावों के पहले हुई थी, विधानसभा चुनावों के पहले महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर देखी गई थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। उसके बाद जो प्रस्ताव जो भी कार्य समिति में पारित होते हैं, जो रखाए जाते हैं, वो प्रस्तावों को फिर निचले लेवल तक जो है वो फॉलो किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। अब जो प्रस्ताव जो है पारित पिछली बैठक में हुए थे उन पर कितना काम हुआ वो इस बैठक में देखने को जो है वो मिला, किस तरीके से कामकाज हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ ठीक से काम हुआ, ये देखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज जो नए प्रस्ताव पारित होंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये राज्य स्तरीय कार्य समिति की बैठक है, यहाँ पर जो भी पदाधिकारी जो है वो प्रस्तावों को सुनेंगे वो सभी जाएंगे शहरी जिला स्तर पर, जिला स्तर से ग्रामीण स्तर पर जाएंगे और उनकी बैठकें आयोजित होंगी। वहाँ पर पार्टी ने जो प्रस्ताव आज पारित करेगी वो रखाएंगे और वो रखाने के बाद उसके ऊपर आगामी समय में पार्टी काम करती हुई नजर आएगी, जो कि महत्वपूर्ण तौर से देखा जाए तो जनता का आभार जताना होगा और कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको अब जो है वो संगठनात्मक तौर पर और भी बीजेपी को मजबूत करने को लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल अमृतांशी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।